तुम्हारा दर्द, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बचपन, तुम्हारा पतला, मेरा क्या, मेरा क्या राखा? जितना दर्द तुमने सहा है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द मैंने सहा है। अपनी माँ को खोया है तुमने, और मैंने अपने आई पापा दोनों को। किस बचपन की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो अपना अस्तित्व ही खो दिया था तुम्हारे बाबा की वजह से। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी मां को मारा है? पर मैं जानती हूं राघव कि मेरे आई बाबा की हत्या विश्वासराव पाटिल ने की है। अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहती हो ना तुम? इतनी कोशिश इसीलिए कर रहे हो ना तुम? पर मैं अपने आई पापा की हत्या का बदला जरूर लूंगी विश्वासराव पाटिल से। देखना तुम, मेरी कोशिश जरूर कामयाब होगी। पूजा करते हो ना अपने बाबा की? अपनी आंखों के सामने पल पल बर्बाद होता हुआ देखोगे विश्वासराव पाटिल को। पर कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। जितना उड़ना चाहती हो उठ लो, बहुत जल्द तुम्हारे पंख काटूंगा मैं। और उस वक्त तू कुछ नहीं कर पाएगी। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर दुख, हर तकलीफ को सह सकूं और अपनी हर तकलीफ का गिन गिन कर उस विश्वासराव से बदला ले सकूं। और आज विश्वासराव की बर्बादी के एक कदम और नजदीक आ गई हूं मैं। देव अंकल का नंबर और पता, दोनों ही चीजें मिल गई हैं मुझे। बस अब उनकी मदद से मैं विश्वासराव की सच्चाई सबके सामने लाऊंगी, सबके सामने ला करूंगी। हम लोग सब तैयार हैं, बताओ क्या करना है? उस जंगल में नहीं, ये बाजू, इस जंगल में ही मिलेगा वो। घेर लेना रे उसे। मेरे को तेरे को उड़ाना पड़ेगा, तभी तो तेरा मालिक इधर ही जाएगा। जब तक मैं ना कहूँ तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अगर तुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाथी का चिंगारने का आवाज सुनाई दिया मेरे को।
लेके भागा रहे उसे।